नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में टोला सेवक, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक की वैकेंसी चल रही है, तो ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी है। तो आपको पता ही होगा बिहार में कैसे काम होता है सब कुछ। तो बहुत सारी वैकेंसी जो है इसमें आई हुई है, 2578 के लगभग जो है पोस्ट है, और इसमें वैकेंसी जो है छिपाई भी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करवाया था सभी जिलों का देख पा रहे होंगे। तो NIC पोर्टल पे गवर्नमेंट का रूल था कि सभी का, जितने भी जिले में वैकेंसी आ रही है, सभी जिलों का लिस्ट NIC के पोर्टल पे डालना है, लेकिन बहुत सारे जिले पे ये डाला ही नहीं जा रहा है। तो मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि जो जहाँ नहीं भी डाला गया, जैसे कि आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पे जो पटना जिले हो गया, या फिर और भी बहुत सारे ज़िले हैं, एक दो ज़िले हैं जो जारी नहीं कर रही है NIC के पोर्टल पे, लेकिन मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे रोजगारबिहार.com पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है पंचायत लिस्ट का, कैसे फॉर्म को कैसे भरना है ये इस वीडियो में बताया गया, तो वीडियो आप कर यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए बांका जिले का आ चुका है। तो ये टोला सेवक और तालीमी मरकज दोनों का लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है, तो इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रोहतास जिले का आ चुका है, सारण जिले का मैंने पहले ही आपको उपलब्ध करवा दिया था, तो ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे बक्सर जिले का आ चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पे जहानाबाद का भी मैंने यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे मुजफ्फरपुर हो गया, पटना जिले का भी मैं यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया हूँ, तो आकर आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, देख डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद देखिए आप लोगों का जो सवाल होता है कि कहाँ पे फॉर्म जमा करेंगे, तो आप अपने अपने ज़िले के हिसाब से, ठीक है मैं यहाँ पे पटना ज़िले का बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें बताया गया है जो फॉर्म भरी जाएगी उसका डेट वगैरह यहाँ पे बताया गया है। पहले तो ये डेट 21 तारीख से शुरू थी, लेकिन अब ये बदल दिया गया है। देखिए यहाँ पे पटना ज़िले के लिए अपने अपने ज़िला के अंतर्गत जो है अपना हिसाब से डेट जारी कर रही है। तो देखिए पटना ज़िले में फॉर्म जो जमा करने की तिथि बताई गई है, आवेदन प्राप्त करना, वो 28/8/2023 से लेकर 4/9/2023 तक दिया गया है। ठीक है, ये फॉर्म कहाँ जमा करना है, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक। तो जो भी आपका ब्लॉक होगा उसमें एक स्कूल चयनित होगा, उस स्कूल में भी आप जमा कर सकते हैं, या फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BO के पास जाके आप जमा कर सकते हैं। अगर BO जमा नहीं भी लेते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्कूल में जमा हो रहा है फॉर्म। फॉर्म वगैरह आपको सारा कुछ रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। यहाँ से देखिए नीचे आएंगे, नीचे सबसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे लिंक है, देख सकते हैं यहाँ से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है उसका वीडियो भी बताया गया है, और नोटिफिकेशन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी ज़िलों का वेबसाइट भी यहाँ से खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अपने ज़िले के हिसाब से देखिएगा कि डेट कब है, नोटिस अपना डाउनलोड कर लीजिए और इसको देखिए कि कहाँ आपको फॉर्म जमा करना है, इसी में आपको बताया गया है। देखिए समिति के सदस्य संयोजक चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करना, तिथिवार पंजी संधारण एवं आवेदक को प्राप्ति रसीद देना। तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक, एक स्कूल का चयन किया गया होगा आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत में कोई भी एक स्कूल होगा, इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन उसी स्कूल में आपको जाके जमा करना है। तो कैसे पता चलेगा, आप अपने ब्लॉक में जाइए, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अगर वैकेंसी वहाँ पे शुरू हो गई होगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत जगह तो छुपा लिया गया है, तो कोशिश करिए निकलवाने की, कैसे निकलवा सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रखंड का नाम दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हो पटना जिले का प्रखंड का नाम दिया गया है, शिक्षा सेवक में कहाँ कहाँ सीटें हैं वो, और तालीमी मरकज में कहाँ कहाँ सीटें हैं वो दिखाया गया, शिक्षा सेवक यानी कि टोला सेवक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 64 64 जो है शिक्षा सेवक, और 46 जो है ये आपका तालीमी मरकज का सीट पटना जिले में खाली है। तो अपने अपने जिले के अनुसार देख लीजिएगा, अपने प्रखंड में जाके फॉर्म जमा कर सकते हैं। देखिए सब कुछ बताया गया है, पंचायत भी बताया गया है, विद्यालय का नाम, गांव कि कौन से स्कूल में खाली है, ठीक है कौन से प्रखंड में खाली है, गांव का नाम बताया गया है, विद्यालय का नाम बताया गया है, और आरक्षित श्रेणी भी बताई गई है, महिला के लिए सीट है, देखिए महिला के लिए सीट है, महिला के लिए सीट है,
महिला के लिए यहाँ पे टोटली देखिए लगभग जो है महिला के लिए ही दिखाया गया है, ठीक है। तो जहाँ भी जैसा सीट रहेगा, पुरुष के लिए रहेगा तो पुरुष का दिखाएगा, महिला के लिए रहेगा तो महिला का दिखाएगा, तो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आकर अपना 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 जो है चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये फॉर्म है, यही फॉर्म को आपको भर के जमा करना है स्कूल में जाके, या फिर आप अपने BO के ऑफिस में जाके जमा कर सकते हैं, ब्लॉक में जाके जमा कर सकते हैं। अब चलिए मैं किसी और ज़िले का भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे और भी ज़िले का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आकर आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी नया नया में देखिए कैमूर है, तो कैमूर का भी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने अपने ज़िले का हिसाब से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, कब से कब फॉर्म जमा होगा सब कुछ बताया गया है। देखिए इसमें भी बताया गया है कहाँ पे कि देखिए यहाँ पे पुरुष का भी सीट खाली है, महिला का भी सीट खाली है, जाति भी बताया गया है, रिक्ति भी बताया गया है, और आपका वार्ड पंचायत भी बताया गया है, टोला का नाम भी बताया गया है, प्रखंड का नाम भी बताया गया है। तो आप अपने अपने ज़िले के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म को जल्दी से जल्दी जाकर जमा करिएगा, ठीक है। देखिए नियमावली 2018 वाला जो भी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। हालांकि ये तो मैंने पहले भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया था। चलिए अब और एक ज़िले का देख लेते हैं। कैमूर तो हो गया, देखिए कैमूर हो गया। अब मैं आपको देखिए यहाँ पे पटना का भी मैंने दिखा दिया, मुजफ्फरपुर का मैंने ऑलरेडी पहले ही दिखाया था, जहानाबाद का भी दिखाया है, बक्सर का देखिए, बक्सर का नया अभी आया हुआ है, तो इसको भी आप खोल के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है कहाँ की कौन सी सीटें खाली है, कहाँ फॉर्म जमा करना है, सब कुछ इसमें बताया गया है। कब देखिए यहाँ पे बक्सर में जो डेट दिया गया है, बक्सर में 26/8 से शुरू होगा आवेदन और 12/9/2023 तक फॉर्म को जमा कर सकते हैं, तो ये बक्सर का दिया गया है। तो आप अपने ज़िले के हिसाब से जो है डेट जारी किया जा रहा है, तो आप अपने अपने ज़िले का देख लेंगे। अब रही बात, देखिए बहुत सारे ज़िले अभी बाकी हैं, देख सकते हैं अभी टोटल लगभग, तो अभी तो सिर्फ 9 ही ज़िलों का आया हुआ है, तो आप अपने बाकी जो ज़िलों का है वो धीरे धीरे आएगी, और नहीं आती है तो आप अपने ब्लॉक में जाके पता करते रहिएगा रेगुलरली, क्योंकि फॉर्म जो है बहुत छिपाया जा रहा है भ्रष्टाचार के कारण। तो आप अपने अपने ब्लॉक में जाके BO से पता करें, पता करते रहें, ताकि आपकी जो फॉर्म है वो टाइम से भरा जाए। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो हो सकता है पार हो जाए, तो फिर खेल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सारा डिटेल आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है, आकर चेक कर सकते हैं। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर फिर नया कुछ आता है तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।